बीते कुछ सालों से त्योहारों को लेकर विद्वानों के अलग अलग मत होने से लोगों के मन में शंकाएं उत्पन्न होती हैं। ठीक इस बार भी दीपावली को लेकर लोगों में अलग अलग मत हैं। ऐसे में आज हल्द्वानी में प्रांतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल प्रदेश अध्यक्ष नवीन वर्मा ने जिला अध्यक्ष विपिन गुप्ता की पहल पर क्षेत्र के जाने माने विद्वान ज्योतिषाचार्यों का एक मंच में आमंत्रित किया, जहां सभी सम्मानित ज्योतिषाचार्यों ने एक मत होकर 1 नवंबर को दीपावली मनाने का निर्णय लिया। इसके बाद एक प्रेस वार्ता आयोजित कर सभी विद्वानों ने एक मत होकर बताया कि इस वर्ष दीपावली 1 नवंबर को ही मनाई जाएगी। इसके साथ ही ज्योतिषाचार्यों ने बताया कि देश भर के 250 पंचांगों में से 180 पंचांगों का बहुमत 1 नवंबर ही दीपावली मनाने के पक्ष में है, इसलिए उत्तराखंड में भी 1 नवंबर को ही दीपावली मनाई जाएगी। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य पे पत्रकार वार्ता के माध्यम से हम पूरे देश में एक संदेश देना चाहते हैं कि भाई जितने भी हमारे ये बड़े पर्व हैं, ये हमको समरसता से सिखाते हैं, एक रूपता दिखाते हैं। हम एक रूप हों, एक दिन पर्व मनाएं, एक राष्ट्र एक पर्व। हम इस निर्णय को लेकर पिछले वर्ष भी हमने इस तरह का प्रयास किया था, और उस समय जब विवाद चला था होली का और रक्षाबंधन का, तो उस समय भी तो कई आप लोगों के मध्य के पत्रकार लोग उस समय थे, तो उस समय भी हमने कहा था कि 1 वर्ष के बाद दीपावली का पर्व संशयात्मक होने वाला है, उसके लिए सब लोग सर्वसम्मति के निर्णय बनाएं। तो उस समय के कुछ धर्माचार्यों ने भी देश में ये कहा था कि 1 नवंबर को ही दीपावली मनाई जाएगी, और हमने भी उस समय कहा था कि देखिए जहाँ 2 दिन अमावस्या होती है, प्रदोष काल में दूसरे दिन अमावस्या हो तो दूसरे दिन को ग्रहण करना चाहिए। तो इसमें कोई संशय नहीं है कि 1 नवंबर को मनाइए, उसमें कोई संशय नहीं है। कम से इसका उद्देश्य ये है कि हिंदू सनातन की हम बात करते हैं तो यहाँ पर विघटित हो रहे हैं 2 दलों में। एक पक्ष कह रहा है कि 31 को दीपावली पर्व मनाना चाहिए, दूसरी तरफ एक पक्ष 1 नवंबर के पक्ष में है। तो ये जो यहाँ पर हो रहा है, दोनों हिंदू धर्म के ही दोनों लोग हैं जो कि आपस में विघटित हो रहे हैं। उसका सबसे बड़ा एक जो कि हम इसको स्तंभ समझते हैं सोशल मीडिया, तो इसी को लोग जो है इसका दुष्प्रचार हो रहा है। इसको एक हमने अपने सनातन धर्म की रक्षा के लिए हम इसको बहुत ज़्यादा सदुपयोग कर सकते थे, लेकिन इसका दुरुपयोग हो रहा है। तो हम सभी बाकी अन्य धर्मों में उपहास का केंद्र बन के रह गए। हमने निर्णय सिंधु, धर्म सिंधु और पुरुषार्थ चिंतामणि और तिथि निर्णय, इन ग्रंथों में दिए हुए शास्त्रों का अवलोकन किया, तो उनके अनुसार दोनों प्रदोष काल में जब अमावस्या होती है, जैसे इस वर्ष की स्थिति है, तो उसके अनुसार चाहे कम हो चाहे अधिक हो, तो दूसरे दिन ही सूर्योदय से लेकर के सूर्यास्त तक प्रदोष व्यापनी अमावस्या के दिन ही लक्ष्मी के पूजन का विधान है, ये शास्त्र सम्मत मत है। और जिन राज्यों में अमावस्या तिथि 1 नवंबर के दिन प्रदोष काल में 1 घड़ी से कम है, और जहां सूर्यास्त 5:53 के बाद होता है, तो वहां पर 1 तारीख को ही महालक्ष्मी का पूजन किया जाएगा। वाले जो हैं वो ज़्यादा तांत्रिक पूजा वाले जो हैं वो रात्रि में अमावस्या चाहते हैं, इसलिए वो 31 को मना रहे हैं, और हम जो हैं महालक्ष्मी पूजा वाले हैं, इसलिए 1 तारीख को हमें उदया तिथि से लेकर शाम को प्रदोष काल तक अमावस्या मिल रही है, इसलिए हम 1 तारीख को अमावस्या मना रहे हैं। और पूरे भारतवर्ष में 250 पंचांग छपते हैं, उसमें से 180 पंचांग जो हैं 1 नवंबर के पक्ष।